दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स पार्ट टू। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को 5 रेलवे ट्रैक्स दिखाए थे जो दुनिया के सबसे खतरनाक और रोमांचक सवारी करने वाले थे। इस वीडियो में भी आप लोगों को दुनिया के सबसे खतरनाक 5 रेलवे ट्रैक्स देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। नंबर 1 पे आता है डेथ रेलवे थाईलैंड। डेथ रेलवे रूट दुनिया का सबसे खतरनाक रेलवे मार्गों में से एक है। इस रूट पर ट्रेन म्यांमार की सीमाओं से होते हुए पहाड़, घने जंगल के इलाके से होकर गुजरती है। डेथ रेलवे थाईलैंड का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। इस रेलवे रूट के निर्माण में हजारों कैदियों और स्थानीय श्रमिकों ने खून पसीना बहाया था। इसके अलावा कई श्रमिकों ने अपनी जान भी गंवा दी थी। इसी वजह से इस मार्ग को डेथ रेलवे कहा जाता है। 1956 में खोलने के बाद से मूल लाइन का केवल एक खंड चालू है। नंबर 2 पे आता है हमारा कुरंडा रेलवे ऑस्ट्रेलिया। कुरंडा रेलवे ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड में कैंस से कुरंडा को जोड़ने वाला एक सुरम्य और भयावह ट्रेन मार्ग है। यह प्रसिद्ध रेलवे कुरंस से कुरंडा तक की यात्रा पर अपना मार्ग बनाता है। कुरंडा की यात्रा में लगभग 2 घंटे लगते हैं, जिसमें ट्रेन 15 सुरंगों और 37 किलो से होती हुई खड़ी चट्टानों से होकर गुजरती है, जिसमें ट्रेन की गति धीमी हो जाती है। 35 किलोमीटर लंबा यह मार्ग 19वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया था, जो खतरों के साथ साथ रोमांच और मनमोहनी प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। यहाँ यात्री झरने और हरे भरे जंगल की प्रशंसा कर सकते हैं। नंबर 3 पे आता है हमारा पिलाटस रेलवे। पिलाटस रेलवे दुनिया का सबसे खतरनाक और रोमांचक रेलवे रूट में एक है। इस रूट पर यात्री 7000 फीट की ऊंचाई पर स्टेशन की यात्रा करते हैं। इस रूट पर ट्रेन अल्पना चस्ता से पिलाटस कुलम तक जाती है और अल्पाइन घास के मैदानों और पहाड़ों के माध्यम से यात्रा करती है। पिलाटस रेलवे मार्ग में 30 मिनट की सवारी एक अल्पाइन चोटी की ओर जाती है, जो अपने अद्भुत विस्तारों के लिए जानी जाती है। इस रेलवे ट्रैक की लंबाई लगभग 4.5 किलोमीटर है, जो विभिन्न रोमांचों से भरी हुई है। इस मार्ग के खतरनाक होने के बावजूद भी बड़ी मात्रा में यात्री इसकी रोमांचक राइड का एंजॉय करते हैं। अगली है हमारी जॉर्ज टाउन लूप रेल रोड रेलवे ट्रैक। दुनिया में सबसे साहसी और खतरनाक पटरियों में से एक है, जिसे रॉकी पर्वत के माध्यम से 19वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया था। इस रेलवे ट्रैक का सबसे खतरनाक हिस्सा पहाड़ियों के ऊपर बना एक सस्पेंशन ब्रिज है, जो जमीन से 100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मार्ग पर भयानक अनुभव तब होता है जब आगे से आने वाली भारी हवाएं ट्रेन को रोकती हैं और संतुलन बनाए रखना मुश्किल होता है। और अंत में आता है केप टाउन दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन मार्ग खतरनाक मार्गों के कारण नहीं, बल्कि इस रूट पर होने वाली असामान्य गतिविधियों के कारण चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जिसके बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। वैसे ट्रेनों में चोरी और हमले की वारदात आम बात है, लेकिन केप टाउन सार्वजनिक परिवहन अपराध की उच्च दर का सामना कर रहा है। केप टाउन की ट्रेन लाइन अक्सर चोरी और हमलों के वारदातों का सामना करती है, जिससे यात्री इस रूट से यात्रा करने में सुरक्षित महसूस नहीं करते। और आंकड़ों के अनुसार इस रूट पर दैनिक आधार पर कम से कम 10 में से एक ट्रेन रद्द हो जाती है, जो वाकई गंभीर विषय बना हुआ है। तो दोस्तों, ये था दुनिया के 5 सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स का पार्ट 2। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, वो चैनल पर जाके देख सकते हैं। और जो भी लोग चैनल पर नया है, वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।